इतिहास के पन्नों में युद्ध भी है, बुद्ध भी है, राय भी है और द्वेष भी है। इतिहास में कुछ किस्से ऐसे भी हैं जो सबको चौंका कर रख देते हैं। ऐसा ही एक किस्सा 20 साल पहले हुआ था। सबको याद आ ही गया होगा कि 20 साल पहले संसद में हुआ हमला और उसमें दिल्ली पुलिस के 4 जवान और 5 आतंकी ढेर हो गए थे। एक बार फिर यह इतिहास दोहराया गया है। एक बार फिर संसद पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में एक बार फिर सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। नई संसद में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 2 युवक सदन में घुस आए। बता दें कि शख्स दर्शक दीर्घा से कूदे थे, साथ ही सदन के अंदर धुआं छोड़ा। वहीं सदन के बाहर भी एक महिला और पुरुष ने पीले रंग का धुआं छोड़ा। हालांकि कोई भी हानि नहीं हुई। सूचना मिल रही है कि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़कर बाहर निकाल दिया है। दोनों ही युवक सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। ये लोग कनस्तर लिए हुए थे। इन कनस्तरों में पीले रंग की गैस निकल रही थी। एक व्यक्ति दौड़कर स्पीकर की चेयरमैन के सामने पहुंचा और कई नारे लगाए। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये गैस जहरीली हो सकती है। इससे पहले पुरानी संसद की इमारत में 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकियों ने हमला किया था। इसमें जवान समेत 9 लोगों की मौत हुई थी। जनता दरबार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।